या अली मदद, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि उस इंसान का नाम बताइए जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं आज की तारीख में, तो आपका जवाब क्या होगा? जाहिर है आप में से कई लोग या तो अपने बच्चे का या अपने पेरेंट का या अपने स्पाउस का या पार्टनर का या कोई बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखेंगे, राइट? लेकिन आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर अपना खुद का नाम लिखेगा, शायद कोई नहीं। और ये बात इसलिए है कि हमें अक्सर बताया गया है कि आप अपने आप से प्यार कैसे कर सकते हैं, दूसरों को छोड़ के आप अपने आप को सबसे ऊपर कैसे रख सकते हैं, ये तो बड़ी खुदगर्जी है, आप तो सेल्फिश हो। लेकिन एक चीज तो हमें समझ में आ गई है कि कभी कभी एक अच्छी सेल्फिश होना भी बहुत जरूरी है। जो चीज आपके पास नहीं है वो चीज आप दूसरों को दे ही नहीं सकते। अगर आप अपने आप से सबसे पहले प्यार नहीं करेंगे तो आप दूसरों को प्यार कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपने आप से पहले रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपनी इज्जत नहीं करेंगे, तो आप दूसरों की इज्जत भी नहीं कर सकते। और दूसरे आपकी इज्जत करें, आपको प्यार करें, ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप वो एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते। देखिए, इमोशनल हेल्थ और मेंटल वेलबींग के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पहले अपने आप को प्यार करें, अपने आप को इज्जत से देखें और अपने आप को समझें। अगर मैं अपने आप को नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा? अगर मैं अपनी खुद की इज्जत नहीं करूंगी तो और कोई कर ही नहीं सकता। और अगर मैं अपने आप से प्यार नहीं करूंगी तो और कोई नहीं करेगा। और यही बात सच्चाई है दोस्तों, यही सच्चाई है, बाकी सब तो सिर्फ बातें और बातें हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हमें दूसरों के लिए प्यार नहीं करना या दूसरों के लिए चीजें नहीं करनी है। ऑफ कोर्स करनी है, हमें अपने सभी कार्यों को बखूबी निभाना है, हमें सभी को अच्छी तरह से देखना है, हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको अच्छी तरह से अदा करनी है। लेकिन सबसे पहले हमें अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे हम फ्लाइट्स में भी सुनते हैं ना कि दूसरों का मास्क सिक्योर करने से पहले अपना मास्क सिक्योर कीजिए, फिर दूसरों की सहायता कीजिए। तो दोस्तों, अगर हमें अच्छी इमोशनल हेल्थ चाहिए, अच्छा मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग चाहिए, तो हमें सबसे पहले अपना ध्यान रखना होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन सिंपल सी बातें बताऊंगी जिससे आप अपना ध्यान बखूबी रख सकते हैं और अपने इमोशनल हेल्थ और अपने मेंटल वेलबींग में इजाफा कर सकते हैं। तो रेडी है ये तीन सिंपल सी बातें देखने के लिए? सबसे पहली बात है, एक जगह बैठकर इवन 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, चाहे अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो ना हो, गहरी सांस लेनी है, ब्रीद डीपली। इससे क्या होगा? आपको एक ठहराव महसूस होगा, आपका माइंडफुलनेस बढ़ेगा और आपको बड़ी शांति मिलेगी और एनर्जी मिलेगी कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सर्कमस्टेंस से लड़ने के लिए। तो सबसे पहली बात, ब्रीदिंग डीपली, यानी एक जगह बैठ के गहरी सांस अंदर लेना है, कुछ सेकंड तक रोकना है और फिर धीरे से सांस को छोड़ना है। यह है पहली बात। दूसरी बात है स्माइल। जब कभी मौका मिले, जब कभी आप जहां भी हो, अपने आप से स्माइल कीजिए, बिला वजह ही सही। चाहे आपको कोई कहे कि भाई आपका स्क्रू ढीला हो गया है, आप इतना स्माइल क्यों कर रहे हो, जैसे मैंने बोला, लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए, क्योंकि ये सब सिर्फ बातें हैं, आप अपना ध्यान रखिए। तो जब मौका मिले स्माइल कीजिए, और जिनको स्माइल करने में डिफिकल्टी महसूस हो रही हो वो ये टेक्निक इस्तेमाल कीजिए।
इस तरह दोनों होंठ को पकड़िए और कहिए 1 2 3 1 2 3 और धीरे धीरे आप स्माइल करना सीख जाएंगे। स्माइल करने से आपके फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज होती है और ब्रेन तक एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाता है और इमोशंस फायर अप हो जाते हैं और बहुत ताजगी और पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो सेकेंड चीज है स्माइल। और सबसे आखिरी और बड़ी सुंदर बात है अपने आप को जादू की झप्पी देना। जब कभी दिन में कितनी भी बार, हजारों बार, 100 बार, 10 बार, जितनी बार आपको याद रहे, अपने आप को एक जोर की जादू की झप्पी देकर कहना, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूं, मैं अपनी इज्जत बहुत करती हूं। जितनी बार आप ये करोगे, सेम चीज, आपको एक पॉजिटिविटी महसूस होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस होंगे और आपको इंस्टेंटली खुशी महसूस होगी और ताकत भी मिलेंगी जो भी आपके सर्कमस्टेंस है उससे लड़ने की। तो 3 चीज, गहरी सांस लीजिए, जितनी बार हो सके स्माइल कीजिए और जितनी बार हो सके अपने आप को हक करके कहिए आई लव माई सेल्फ। इससे आपकी इमोशनल हेल्थ और मेंटल वेलबींग बरकरार रहेगी और आप हमेशा स्ट्रेंथ के साथ अपनी जिंदगी के कोई भी पड़ाव, कोई भी सर्कमस्टेंस को जूझने की शक्ति जुटा पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऑल द बेस्ट, या अली मदद एंड अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू यू।